हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चाक पे गुम लेस लगाना। तो ये वाली चंपा लेस मैं लगाने वाली हूँ, इसमें जो समोसा लेस भी हम बोलते हैं वो लगाऊंगी। और चाक में ना आप तकरीबन 1.5 इंच छोड़ें जो हम फोल्ड करते हैं ना उसके लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी चाक फोल्डिंग है और यहाँ पर जितना भी आपने फोल्डिंग का छोड़ा है ना, 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच इतना ही लेना चाहिए फोल्डिंग के लिए, उतना मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 इंच। तो इसको ना इस तरीके से कर लेंगे और सीधे साइड से हम निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से कर लूँगी मैं। ये देखिए, ये हमारी हिप की सिलाई का मार्क है। यहाँ से हम जो हिप की सिलाई है ना, जहाँ पे सिलाई है, ये देखिए इसी के सीध में लगानी है बिल्कुल। हो सके तो इससे थोड़ा अंदर ही लगाएँ, इधर ना लगाएँ। तो सीधा निशान लगा लूँगी मैं और आगे पीछे इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। ऐसे ही निशान हम दूसरे साइड भी लगा लेंगे, मतलब के इससे पीछे साइड में भी। और लेस भी हमने सीधे साइड से ही लगानी है। तो ये देखिए, यहाँ से मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ। ये जो लेस है ना, इसको ना जो हमारे ट्रायंगल है वो इस साइड करके रखना है और उल्टी रखना है लेस को। ये देखिए, उल्टा करके जितना भी दिखाना है ना आपको, वो इस लाइन के इधर रखना है। तो इस तरीके से उल्टी लेस रख रही हूँ मैं और सिलाई लगा लेंगे। ये ना आप जितना तसल्ली से बनाएंगे ना, उतना फिनिशिंग से बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे आके फिनिशिंग का ध्यान रखना रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी चाक ख़त्म है। इस तरीके से इसको कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले ना, ये हमारा चाक है, यहाँ पे हमारा चाक ख़त्म हुआ है। इससे 1 इंच ऊपर इस तरीके से हल्का आधा काट लें, सिलाई से थोड़ा दूरी पर इस तरीके से कट लगा लें। एक इंच जो हमारा हिप का निशान है उससे 1 इंच ऊपर ले जाएं इसको सिलाई करके। यहाँ से उतार लेंगे सिलाई को। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगा लें। दूसरी साइड हम क्या करेंगे, ऊपर से लगाएंगे लेस को, उल्टा करके रखेंगे। ये देखिए, उल्टा करके इस साइड ट्रायंगल रखना है। इस तरीके से करने के बाद ना, ये जो कपड़ा है ना, इसको बिल्कुल इतना इतना फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल कम कम फोल्ड करके। दूसरी साइड का भी इतना इतना फोल्ड कर लेंगे हम। इतना करने के बाद अब जो सिलाई हमने लेस के ऊपर लगाई थी ना, उसी के ऊपर इस कपड़े को फोल्ड करके दोबारा सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से करने के बाद हम अब इसको इस तरीके से कर लेंगे। इसको अब इस तरीके से पलटाना है और यहाँ पे किनारी की एक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चाक पे लेस लग चुकी है और इस तरीके से, ये देखिए
फ्रेंड्स आप चाहें तो ना ये जो यहाँ पे खुला हुआ है ना, यहाँ पे भी एक और सिलाई लगा सकते हैं, पर मैं सिलाई नहीं लगा रही, मैं तुरपाई करूँगी, तुरपाई ज़्यादा अच्छी लगेगी यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके की फिनिशिंग आनी चाहिए आपके यहाँ पर, यही यहाँ पे कोने पे चाक में इस तरीके की फिनिशिंग आनी चाहिए। और इसका ये नेक भी मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए इस कुर्ती के ऊपर। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।